हेलो ऑल ऑफ यू, मैं हूं प्रवीण पटवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM एज अ कोर्स। तो पहले मैं चालू करना चाहूंगा कुछ एग्जांपल से। सपोज करिए एक जो बैंक है उसका मेन काम क्या है, छोटे छोटे डिपॉजिट्स लेना एंड जिनको भी दरकार है उनको लोन्स प्रोवाइड करना। तो इस प्रोसेस में बैंक बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक क्या करेगा, ऐसे लोगों को लोन देगा जिनका हैसियत नहीं है। तो इन सब का जो सारा रिस्क असेसमेंट है वो कौन करेगा, वो एक रिस्क मैनेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को पैसे की दरकार है और वो अपना बॉन्ड इश्यू लाता है, मतलब वो बेसिकली लोन लेना चाहता है पब्लिक से। तो उस केस में कंपनी का जो असेसमेंट है वो कौन करेगा कि कंपनी जो पैसा पब्लिक से ले रही है वो पैसा वो अपने लोगों को वापस दे देगी। तो इसका जो असेसमेंट है वो कौन करेगा, वो एक फिनेंशियल रिस्क मैनेजर करेगा। इंडिया में आप देखेंगे हर टाइप के बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है, एंड अगर बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है तो वहां पर फिनेंशियल रिस्क मैनेजर्स की दरकार पड़ती है। इसीलिए इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो गार्प इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स US बेस्ड बॉडी है, ये प्रोवाइड करती है। इस कोर्स को अगर आप चाहो तो टेक्निकली आप इस कोर्स को 6 महीने से 1 साल के अंदर खत्म कर सकते हो। इस कोर्स में 2 लेवल्स होते हैं, तो आइए हम लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोर्स है इसमें आपको मिलेगा ग्लोबल रिकॉग्निशन। ग्लोबल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि ये जो कोर्स है ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। आप कोई भी MNC, Fortune 500 या फिर बड़ी से बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में इस सर्टिफिकेशन के थ्रू जॉब सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई दिस कोर्स इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। सो करियर एडवांसमेंट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्लास 12 पास आउट है जो जस्ट अभी कॉलेज में एंटर किए हैं, या फिर आप अपना MBA कर रहे हैं, या फिर आपका कोई पहले फाइनेंस में बैकग्राउंड है, या फिर आप अभी जॉब कर रहे हैं, हर टाइप के प्रोफाइल्स के लिए फाइनेंस में ये कोर्स सूटेबल है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड AI के बारे में अच्छे से जानना है तो ये कोर्स आपके लिए एक प्लस बन सकता है। सो दैट इज वाई करियर एडवांसमेंट। आप ये कोर्स करने के बाद में अपने जॉब में एक हाइक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 20-50%। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट इन एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। FRM का जो कोर्स है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हर टाइप के रिस्क के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मेनी अदर करंट इश्यूज। सो बेसिकली दैट इज वाई कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट, एंड जितने भी सारे बैंक में जो मॉडल्स यूज होते हैं वो सारे भी इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। टॉपिक्स लाइक मशीन लर्निंग, एंड आप सबको पता है कि US में जो 6-7 का जो क्राइसिस हुआ था, बेसिकली क्रेडिट क्राइसिस हुआ था 2006 से 2007 के बीच में, उसके बारे में भी इन डेप्थ एनालिसिस आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। ओके, सो कनेक्टिंग विद अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स, इसका मतलब क्या है, 87,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये कोर्स को परस्यू किया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत अच्छे अच्छे रिस्क ऑफिसर्स का डिमांड है, तो इसीलिए ये कोर्स का भी एक बहुत अच्छा डिमांड है। एंड इंडिया में ये कोर्स अभी बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कोर्स में एक मॉड्यूल है फिनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें आप जितने भी सारे इक्विटी बॉन्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनके बारे में भी एक बहुत अच्छे लेवल पे सीखते हो, ठीक है ना। उसके बाद में सो आइए हम लोग इस कोर्स के बारे में और जानते हैं। सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, अगर आप एक क्लास 12 पास स्टूडेंट है तो आप FRM का लेवल 1, एंड आपका जैसे ही लेवल 1 क्लियर हो जाएगा आप FRM का लेवल 2 ले सकते हो। एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो ये है कि FRM का दोनों लेवल आप एक साथ ले सकते हो। यस, एक ही सिटिंग में आप FRM के दोनों लेवल्स ले सकते हो, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस एंड अंटिल आपका फाइनेंस में एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है। और एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप FRM का लेवल 1 क्रैक नहीं कर पाते हैं तो आपका लेवल 2 वाला एग्जाम भी इवैल्यूएट नहीं होगा। एग्जाम साल में 3 बार होता है, मई में, अगस्त में एंड नवंबर में। व्हाट इज द ड्यूरेशन, बेसिकली आप एक प्रेप टाइम समझ सकते हैं
तीन से चार महीने, और अगर सेफ साइड मान के चले तो छह महीने इज इनफ फॉर ईच लेवल। और हर दिन का आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, हर दिन आपको दो घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका फाइनेंस में पहले से बैकग्राउंड है तो एक से डेढ़ घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए इसके बाद, सो बेसिकली आप पार्ट वन का बात करें तो पार्ट वन में आपको चार टॉपिक्स मिलेंगे, फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। सो बेसिकली टोटल में पार्ट वन में 100 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इससे, 20 क्वेश्चन इससे, 30 क्वेश्चन इससे, 30 क्वेश्चन इससे। ये एक सीबीटी एग्जाम होता है जो प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे लिया जाता है। बहुत सारे लोकेशंस हैं इंडिया में जहां से आप ये एग्जाम ले सकते हैं, ऑलमोस्ट मेजर सिटीज से आप ये एग्जाम ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली पार्ट टू की अगर आप बात करें तो पार्ट टू डील स्पेसिफिकली विद द रिस्क मैनेजमेंट डिविजन्स, फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। सो बेसिकली पार्ट टू में आपको टोटल में 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसका ब्रेकअप ये है। बेसिकली आप देखेंगे 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पार्ट टू में। पार्ट टू थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन पार्ट वन आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे पार्ट टू उतना ही ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, पैसे की बात करिए। सर कितना रुपया लगेगा अप्रोक्सीमेटली टोटल में? गार्प इंस्टीट्यूट आपसे 1,35,000 रुपीज लेगा फॉर बोथ लेवल वन एंड लेवल टू। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले लेवल वन में आपको 100 एमसीक्यूज आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होगा। चार घंटे का एग्जाम होता है, एक ही दिन में होता है। अब सर आप बोलेंगे मेरे तो समय कॉलेज का एग्जाम रहता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, एक रेंज रहता है। फॉर एग्जाम्पल 13 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको लेवल वन देना, ऐसा एक रेंज रहता है। आप उनमें से कोई भी एक दिन में जाके सेलेक्ट करके स्लॉट बुक करके आप एग्जाम दे सकते हो प्रोमेट्रिक लोकेशन में, ठीक है ना। सो बेसिकली और बहुत लोग बोलते हैं यूएस का कोर्स है तो मेरे को यूएस जाके एग्जाम देना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एग्जाम आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले एक वन टाइम एनरोलमेंट फी आएगा $400 का। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करते हो तो ये आता है 33,500 का। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा जिसका नाम है टेक्सस फाइनेंशियल कैलकुलेटर BA2+, ठीक है ना। BA2+ फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेटर ये आपको Amazon में मिल जाएगा, इसका रफली कॉस्ट इज 3,500 के अराउंड, ठीक है ना। उसके बाद में जो एग्जाम फीस है वो है आपका लगभग $600। सो इसका आपका INR में लगभग 50,000 रुपए आता है। तो लेवल वन के टाइम पे आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोग August 2024 में है तो आप अपना लेवल वन May 2025 में प्लान कर सकते हो, जिसका आपका लास्ट डेट होगा January 31st of 2025। सो बेसिकली उस समय आपको 85,000 रुपीज टोटल में स्पेंड करने हैं, 85,000 रुपीज आपको टोटल में स्पेंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आप मई में एग्जाम लिखते हो एंड आपका क्लियर हो जाता है। इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6 weeks ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर योर रिजल्ट टू अराइव, ओके। सो 6 हफ्ते में लगभग आप समझ लीजिए आपका जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड नवंबर एग्जाम का जो डेडलाइन होता है वो आपका होता है July 31st, अगर आपको अर्ली बर्ड में करना है तो अर्ली का। ये जो मैंने सारे रेट्स बताए हैं ना ये अर्ली का बताया, अगर आपको लेट रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें आपका लगभग लगभग 20,000 रुपए का फर्क आता है, ठीक है ना। 20 से 25,000 रुपए का आपका फर्क आएगा, आपका ज्यादा लगेगा अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करते, क्योंकि लेट रजिस्ट्रेशन थोड़ा टाइम ज्यादा के लिए खुला रहता है, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप November 25 में अगर आप लेवल टू का एग्जाम लिखना चाहते हैं तो उस समय आपका जो डेडलाइन आएगा वो आएगा जुलाई का, July 31st का आपका लास्ट डेट आएगा एंड उस समय आपका 50,000 रुपए लगेगा। सो इन टोटल अगर आप देखेंगे 1,35,000 रुपए तो आपका गार्प इंस्टीट्यूट लेता है एंड आपका लगभग 3,500 रुपए का कैलकुलेटर आता है। तो ये आपका टोटल में आ गया 1,40,000 रुपया, ठीक है। ये आपका टोटल में अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपया आ गया। उसके बाद में आप देखेंगे इंडिया में जितनी भी सारी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, उसके बाद में आईटी कंपनीज है, कंसल्टिंग कंपनीज है, बिग सिक्स फर्म्स है, सबका अपना रिस्क का एक डिवीजन है जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली सम ऑफ द कंपनीज आर SBI, इंफोसिस, JP Morgan, गोल्डमैन, ICICI बैंक, EY, PwC, KPMG एंड TCS, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, बॉन्ड एजेंसीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो FRM को एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है।
अगर आप एमबीए के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अगर ऐसा है कि भाई अभी मेरे को एक साल वेस्ट नहीं करना है तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है या फिर आप एक सीए इंटर क्वालिफाइड हो या फिर मान लो आप सीएफए कर रहे हो, आप एक्चुअरी कर रहे हो, एफआरएम का कोर्स फिट्स बेस्ट विद ऑल द अदर काइंड्स ऑफ फाइनेंस कोर्सेज दैट यू आर परस्यूइंग। और अगर आपको यह है कि भाई मेरे को कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, मेरे को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो भी एफआरएम कैन गिव यू अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लॉट ऑफ द फाइनेंस मार्केट्स, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप देखेंगे रोल्स क्या क्या मिलेंगे आपको, रिस्क एनालिस्ट, लिक्विडिटी मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क कंसल्टेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजर, चीफ रिस्क ऑफिसर। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है एंड जो मैनेजर के जो रोल्स हैं ये आपको थोड़े लेवल बाद मिलेंगे। बट यस, एफआरएम की अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो एज अ ग्रेजुएट यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 6 to 10 lakhs। ओके, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है तो इट कैन गो अप टू 12 to 13 lakhs एज वेल, एंड डेफिनेटली बहुत सारे पर्क्स एंड इंक्रीमेंट भी आपको फिर विद टाइम मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी ऑफर एट एक्चुएटर्स इज दैट हमारा जो फीस है लेवल वन का है दैट इज 30,000 एंड लेवल टू का भी हमारा जो फीस है दैट इज 30,000। ये पास गारंटी कोर्स है, बेसिकली जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक के लिए वैलिड रहेगा। आपको इसमें लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, 3000 प्लस एमसीक्यू बैंक है हमारा हर लेवल पे। हम लोग के यहाँ पर 100% आपको प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग असिस्टेंस मिलेगा। हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, एंड हमारे यहाँ पर जैसे आज के दिन पे आप देखेंगे एआई, मशीन लर्निंग, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, तो इन सब का भी आपको बूटकैंप ट्रेनिंग सेशंस मिलेगा, वो भी फ्री में, ताकि आप जब निकलो एफआरएम बनके तो आप इंडस्ट्री रेडी ऑलरेडी हो चुके होंगे। बुकिश नॉलेज आपको हर लोग दे सकते हैं, बट हमारे यहां पर इंडस्ट्री से लोग पढ़ाते हैं एंड मेरे गाइडेंस के अंदर में पढ़ाते हैं, तो बेसिकली यस, आपको वो एक होलिस्टिक पूरा एनवायरमेंट मिलेगा। एंड बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं हमारे यहां पर, मॉर्निंग में भी होते हैं, इवनिंग में भी होते हैं, एंड वीकेंड पे भी होता है हमारे यहां पर क्लासेस, एंड डेफिनेटली डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहेंगे। ओके, सो दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन एफआरएम कोर्स। एंड अगर आपका और कोई भी क्वेरी ऐसा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।